बावत्रा में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। साइलाकपुर क्षेत्र के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावत्रा में 68वीं जिला स्तरीय 17 व 19 वर्ष छात्र वर्ग कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन रविवार को भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव के मुख्य अतिथि व जिला परिषद सदस्य रामाराम चौधरी की अध्यक्षता में हुआ। बतौर विशिष्ट अतिथि के नाते पोषणा मंडल अध्यक्ष उदय सिंह दादाल, भाजपा नेता चतराराम दूधवा, स्थानीय उपसरपंच बाबूलाल, आरपी लुम्बाराम चौधरी सहित अतिथियों ने झंडारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में छात्र वर्ग के 17 व 19 आयुष वर्ग बाबत कबड्डी प्रतियोगिता में जिले भर के 17 वर्ष वर्ग में 27 टीमों के 324 प्रतिभागी व 19 वर्ष के 29 टीमों के 348 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें 35 निर्णायक व 22 कार्यालय कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। मुख्य अतिथि राव ने कहा कि खेल जीवन में खुशी और उत्साह का संचार करते हैं, लेकिन खेल में खेल की भावना अहम होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने इस प्रतियोगिता में तन मन धन से सहयोग करने हेतु भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। जिला परिषद सदस्य चौधरी ने खेलों को खेल भावना से खेलने की बात कही। इस दौरान भीम सिंह बावत्रा, उग सिंह दैया, भंवरलाल सुरदास, भोपाल सिंह, नरपत सिंह, प्रबत सिंह, सैन सिंह, पार्समल, चत्तर सिंह, मंगलाराम देवासी, भोलाराम मेघवाल व अध्यापक भंवर सिंह, हीर सिंह सिराणा, जवानाराम, गुमान सिंह, विक्रम सिंह सहित कई जने मौजूद रहे। करता जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया। बंधु, हम आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। तैयार करने में एक हिस्सा खेल भी होता है। खूब सारे काम होते हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए हम सभी संघर्ष करते हैं, उनको तैयार करते हैं, अच्छी से अच्छी श्रेष्ठ हमारे आने वाली